दोस्तों रविवार का दिन था और मैं हर रविवार की तरह सब्जी लेने के लिए मार्केट में गया, तो उस सब्जी की जो रोड है जिसमें सब्जी वाले खड़े होते हैं उसके बराबर वाली रोड पर मैंने देखा कि काफ़ी लोग इकट्ठा हो गया है और मुझे लगा शायद कोई एक्सीडेंट हो गया है या फिर कोई झगड़ा है। तो ये जानने के लिए जब मैं आगे बढ़ा तो मैं कुछ और ही देखता हूँ। मैंने देखा वहाँ बहुत सारी महिलाएँ और बहुत सारे लोग हाथ में झाड़ू लेकर सफाई कर रहे हैं, तो मैं बड़ा अचंभित हुआ। जहाँ पर हम सोसाइटी में एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं और कि भाई ये ड्यूटी आपकी है, ये ड्यूटी सोसाइटी की है, ये ड्यूटी फलाने की है, ड्यूटी फलाने की है, वहाँ पर सब लोग मिलकर सफाई कर रहे हैं और बड़े खुशी खुशी सफाई कर रहे हैं। तो मैंने सोचा इनसे बात करूं और पता करूं कि ये क्या कहानी है। तो दोस्तों पता लगा कि ये जो सोसाइटी है वो इस रोड के जस्ट बराबर में है, जिसको शिप्रा सृष्टि सोसाइटी कहते हैं। क्योंकि इस रोड में सरकारी तौर पर सफाई होती है तो उतनी अच्छी सफाई नहीं हो पाती जैसा कि वो लोग चाहते हैं, तो इस वजह से उन सब लोगों ने वॉलंटरीली मिलके उसको सफाई करने का मुहिम चलाई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं वहां पर उन लोगों के बीच में गया जिससे कि मैं उनसे बात कर सकूं और उनकी बातें आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों ये है शिप्रा सृष्टि सोसाइटी, जो कि हमारी सोसाइटी के बिल्कुल सामने पड़ती है और इसके बराबर में ही हमारी सब्जी मंडी लगती है। तो यहाँ के लोगों ने एक मुहिम चलाई, जो कि यहाँ के लगभग 700 लोग जो इस परिवार इसमें रहते हैं उन लोगों ने मिलकर इसकी सफाई अपने हाथों से की है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, काश कि हम लोग भी इनसे कुछ प्रेरणा ले सकें। भाई साहब ये बड़ा आश्चर्यजनक लेकिन बड़ा ही प्लीजेंट चीज़ है कि आप लोग अपने हाथ से अपनी यहाँ की सफाई कर रहे हैं, इसके पीछे कोई खास रीज़न कोई बात नहीं? रीज़न तो यही है कि हमको तो करनी चाहिए। आज ये ड्राइव निकली है, आज ड्राइव है ये और पिछले हम लोग इकट्ठे हुए हैं। इंडिविजुअली आदमी आएगा तो नहीं कर पाएगा, पर एक बिल्कुल कॉल होती है, कॉल होती है, सभी लोग इकट्ठे होते हैं तो यू गेट ए बेटर रिस्पॉन्स। और उससे क्या है कि इट गिव्स ए मैसेज टू द पीपल। मैंने क्या देखा है कि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हमने मेंटेनेंस का पैसा दे दिया, नाउ एवरीथिंग इज टू बी डन बाय द आरडब्ल्यूएफ पीपल। बहुत अच्छा लगा और हम लोग भी कोशिश करेंगे कुछ सीखें आपसे। नहीं, बहुत बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैम मेरा एक YouTube चैनल है और मैं यहीं सामने ही सोसाइटी में रहता हूँ, मुझे अच्छा लगा आप लोग सब मिलजुल के अपना काम कर रहे हैं और वो भी रोड पे आके, दिस इज़ वेरी गुड। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे ज़्यादातर सोसाइटीज़ में लोग अच्छा खासा मेंटेनेंस का अमाउंट देते हैं और वो फिर ये सवाल करते हैं कि ये काम क्यों नहीं हुआ, वो काम क्यों नहीं हुआ, तो आपको क्यों नहीं लगता ऐसा? आप अपने हाथ से गंदगी उठा रहे हैं और सफाई कर रहे हैं, इसके बारे में हमारी है, हम यहाँ रहते हैं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस जगह को साफ किया जाए। हम अगर कुत्ते को भी देखें ना, वो जिस जगह पे बैठता है उसको पहले पूंछ से साफ कर देता है। बिल्कुल सही बात है। हम दूसरे पे डिपेंडेंट ना होकर हम अगर खुद ही इनिशिएट लें और हमें देख के चार लोग और इनिशिएट लें तो हमारा भारत तो वैसे ही साफ हो जाएगा, फिर हमें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम किसी एक के ऊपर सारा नहीं छोड़ देंगे, गवर्नमेंट ही करेगी या नगर निगम करेगा, वो भी कब तक करेंगे? एक दिन कर जाएंगे, दूसरे दिन फिर अगर वही कूड़ा हो। सबसे बड़ी बात है वो हम्बल फीलिंग कि हमको अपना चाहे कहीं भी है, कोई हमारी कोई इंसल्ट नहीं है, हम कर रहे हैं। ये जो कूड़ा जो फैला है वो हमने से ही किसी ने फैलाया, हमारी वजह से फैला है, खुद ही नहीं, सिर्फ जिम्मेदारी भी हमारी है। और 10 लोग ही आए अगर सोसाइटी में 1000 लोग रह रहे हैं तो सबको कम से कम 300 लोगों को तो आना ही आना है। ये आपकी सोसाइटी कौन सी वाली, क्या नाम है? शिप्रा सृष्टि। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये तो काफ़ी पुरानी सोसाइटी है और कितने लोग रहते हैं इसमें करीब? 734 जी जी, तो इसका मतलब लगभग 3000 पीपल होंगे टोटल, ऑलमोस्ट चार आदमी एक। और यहाँ मेंटेनेंस का कितना देना पड़ता है आपको? मेंटेनेंस तो ये बताएंगे जी, 2 रुपये 25 पैसे, 2000 से 4000 के बीच में। तो सो नाइस ऑफ यू, मुझे लगता है इस वीडियो से बहुत सारे लोग कुछ सीखेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, बहुत जल्द एक और पॉजिटिव मैसेज के साथ, एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।